नमस्कार, टेक्निकल एनालिसिस के इस 8th एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड से हम अलग अलग पैटर्न्स को समझ रहे हैं और इस लेक्चर में भी हम कुछ पैटर्न्स को समझेंगे। देखो, एक बार ये सारे पैटर्न्स हो जाए तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट रीड करना बहुत आसान जाएगा। कोई भी कैंडल कैसे भी हो, आप उसे तुरंत परखना सीख जाओगे और टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एपिसोड में हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इन दो रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये स्टार क्या होता है। तो चलो पहले स्टार्स को समझते हैं। स्टार्स की बॉडी छोटी होती है, उनकी अपर शैडो और लोअर शैडो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, या फिर उनकी अपर शैडो और लोअर शैडो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो स्टार की बॉडी छोटी ही होनी चाहिए और स्टार के पहले की जो कैंडल है और वो और स्टार की बॉडी के बीच गैप होना चाहिए। तो ये गैप हमें क्या बताता है? तो ये गैप हमें बताता है कि ये जो स्टार वाली कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बुल रन चल रहा है और उसके बीच स्टार आ गया है, और क्योंकि स्टार की ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है, तो ये हमें बताता है कि स्टार वाले दिन उस स्टॉक की डिमांड बढ़ गई है। इसलिए स्टार वाले दिन वो स्टॉक उसके पहले की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर खुला है। तो यहाँ पर ये गैप हमें उस स्टॉक की स्पेशल डिमांड शो कर रहा है। वही अगर कोई स्टार डाउन ट्रेंड में आता है तो वो कुछ इस तरह दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार की ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कम है, जिसका मतलब है कि लोग उस स्टॉक को जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं और उसे निकलना चाहते हैं। वही आप देख सकते हो कि स्टार की जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है। तो जब किसी कैंडल की बॉडी छोटी होती है तो उसका मतलब आपको पता ही है, उसका मतलब होता है कि उस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस के नजदीक है। यानी स्टॉक में मूवमेंट अगर हुआ भी है तो भी वो स्टॉक दिन के आखिर में जाकर उसके ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज हुआ। तो जब भी किसी कैंडल की बॉडी स्मॉल होती है तो उससे हमें पता चलता है कि उस स्टॉक में अनसर्टेनिटी चल रही है। ना बुल्स अपने मोमेंटम को बनाए रख पा रहे हैं, ना ही बियर्स। अगर कोई स्टार अप ट्रेंड के दौरान आता है तो वो हमें बताता है कि उस स्टॉक में अनसर्टेनिटी आ रही है, क्योंकि स्टार वाले दिन ना बुल्स उस स्टॉक को कंट्रोल कर पाए, ना ही बियर्स। वही अगर स्टार डाउन ट्रेंड के बीच आता है तो भी वो यही बताता है कि उस स्टॉक में अनसर्टेनिटी चल रही है, ना ही बुल्स उस स्टॉक को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही बियर्स। चलो तो बात करते हैं मॉर्निंग स्टार के बारे में, इवनिंग स्टार के बारे में और कुछ और स्टार्स के बारे में। मॉर्निंग स्टार कुछ इस तरह दिखता है। अब तक जितने भी पैटर्न हमने देखे उसमें एक या दो कैंडल्स थी, पर इस पैटर्न में तीन कैंडल्स हैं। चलो तो देखते हैं कि इन तीन कैंडल्स का मीनिंग क्या होता है और मॉर्निंग स्टार का मीनिंग क्या होता है। मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में आता है। इस मॉर्निंग स्टार की पहली जो बॉडी है वो रेड कैंडल है, जो बताती है कि मार्केट में बियर ट्रेंड चल रहा है। और जैसे कि आपको पता है मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में आता है तो बियर ट्रेंड पहले से ही चल रहा है, और ये रेड कैंडल फिर से प्रूव करती है कि बियर ट्रेंड जारी है। उसके बाद ये दूसरी कैंडल आती है जो कि स्टार है, क्योंकि आप देख सकते हो कि स्टार के पहले की कैंडल की बॉडी और स्टार की बॉडी के बीच गैप है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न की ये दूसरी कैंडल यानी स्टार हमें बताता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी चल रही है, ना बुल्स उस स्टॉक को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही बियर्स। देखो, स्टार के कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है कि वो रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, क्योंकि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बहुत नजदीक होती है। उसके बाद अब बात करते हैं इस थर्ड कैंडल की। तो ये थर्ड कैंडल ग्रीन कैंडल है और सेकंड कैंडल यानी स्टार और इस थर्ड कैंडल के बीच भी गैप है, यानी सेकंड कैंडल की बॉडी और थर्ड कैंडल की बॉडी के बीच गैप है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न में एक चीज जरूरी है कि पहली कैंडल और दूसरी कैंडल की बॉडी के बीच गैप होना चाहिए और दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल की बॉडी के बीच गैप होना चाहिए। उनके शैडो से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले कैंडल की शैडो दूसरी कैंडल की शैडो में या बॉडी तक जा रही है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस पहली कैंडल और दूसरी कैंडल की बॉडी के बीच गैप होना चाहिए और दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल के बॉडी के बीच गैप होना चाहिए। तो मॉर्निंग स्टार इस तरह बनता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस थर्ड कैंडल की बॉडी उस पहले कैंडल की बॉडी के अंदर है। तो स्टार के बाद ये थर्ड कैंडल हमें बताती है कि बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस थर्ड कैंडल और सेकंड कैंडल के बीच गैप है, जिसका ये मतलब है कि इस थर्ड कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है, यानी कि दिन के शुरुआत में ही बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है और उन्होंने अपना मोमेंटम बनाए रखा, क्योंकि आप देख सकते हो कि उस थर्ड कैंडल की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच काफी अच्छा गैप है। सो इट शोज कि बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है और अपना मोमेंटम भी बनाए रखा है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें बताता है कि वो स्टॉक रिवर्स होने जा रहा है, उस स्टॉक का पैटर्न चेंज हो रहा है और बियर्स ट्रेंड यानी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक को खरीद कर कर सकते हैं। ट्रेडर्स या तो उस थर्ड कैंडल के दिन उस स्टॉक को खरीद सकते हैं या फिर पूरा मॉर्निंग स्टार तैयार होने के बाद अगले दिन उस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। इन तीनों कैंडल में से जिस कैंडल का लो सबसे कम रहेगा उसे ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो मॉर्निंग स्टार हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है और मॉर्निंग स्टार हमेशा डाउन ट्रेंड में आता है। आई होप आपको मॉर्निंग स्टार अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं इवनिंग स्टार के बारे में। इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार के अपोजिट होता है।
और इवनिंग स्टार हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, यानी शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इवनिंग स्टार अप ट्रेंड में आता है, यानी राइजिंग ट्रेंड के दौरान आता है। इवनिंग स्टार कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें भी तीन कैंडल्स होती है, पहली ग्रीन कैंडल, दूसरा होता है स्टार और तीसरी कैंडल होती है रेड कैंडल। चलो अब इवनिंग स्टार का पैटर्न और मीनिंग समझ लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि इवनिंग स्टार हमें क्या इंडिकेशन देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट में बुल ट्रेंड चल रहा है, यानी अप ट्रेंड चल रहा है। उसके बीच एक ग्रीन कैंडल आई जिसमें हमने बताया कि बुल ट्रेंड लगातार चल रहा है। उसके बाद जो सेकंड कैंडल है वो स्टार है, क्योंकि स्टार और उसके पहले के कैंडल की बॉडी के बीच गैप है। तो इस बुलिश ट्रेंड के बीच स्टार आने से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई है, क्योंकि स्टार वाली कैंडल के दिन ना बुल स्टॉक को कंट्रोल कर पाए ना ही बियर्स। और फिर तीसरी कैंडल जो है वो रेड कैंडल है, जिसकी बॉडी पहली कैंडल की बॉडी के बीच समाई हुई है। और खास बात यह है कि ये जो थर्ड कैंडल है वो रेड कैंडल है। तो इस थर्ड कैंडल से हमें ये पता चला है कि मार्केट में बियर्स ने एंट्री की है, और ना कि सिर्फ एंट्री की है, उन्होंने अपना मोमेंटम पूरे दिन में बनाए रखा और आखिर में उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस काफी नीचे जाकर क्लोज हुई। तो इस तरह इवनिंग स्टार हमें बताता है कि बुल ट्रेंड समाप्त हो रहा है और बियर ट्रेंड शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से उस स्टॉक में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक को शॉर्ट सेल करके ले सकते हैं। यानी ट्रेडर्स पहले उस स्टॉक को सेल करके फिर खरीद कर उस स्टॉक में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इवनिंग स्टार के मेन फीचर्स ये है कि इवनिंग स्टार बुल ट्रेंड में आता है, उसके साथ ही इवनिंग स्टार की पहली कैंडल और दूसरी कैंडल की बॉडी के बीच गैप होता है। सिमिलरली उसकी दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल की बॉडी के बीच भी गैप होता है, और जो तीसरे कैंडल की बॉडी होती है वो पहले कैंडल के बीच समाई हुई होती है। तो इवनिंग स्टार कुछ इस तरह बना होता है, जो हमें बताता है कि मार्केट में या उस स्टॉक में बियर ट्रेंड आने वाला है। तो ये था मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में डिस्कशन। अगर मॉर्निंग स्टार के जो सेकंड कैंडल होती है, जो कि स्टार होता है, उसकी जगह वहां पर स्टार की बजाय दोजी रहेगा, तो उसे मॉर्निंग दोजी स्टार कहा जाएगा। सिमिलरली इवनिंग स्टार में सेकंड कैंडल यानी स्टार की जगह दोजी रहता है, तो उसे इवनिंग दोजी स्टार कहा जाएगा। देखो, मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग दोजी स्टार में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि स्टार की बॉडी स्मॉल होती है, जो हमें ये इंडिकेट करती है कि मार्केट अनसर्टन है। सिमिलरली दोजी की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होती है, और वो भी हमें यही बताता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। इसलिए मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग दोजी स्टार में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिमिलरली इवनिंग स्टार और इवनिंग दोजी स्टार में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो आशा करता हूं कि आपको आज के पैटर्न समझ में आए होंगे, जो कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग दोजी स्टार और इवनिंग दोजी स्टार थे। इनके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, जिन्हें भी हम जल्दी समझ लेंगे। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे इन पैटर्न्स को समझते समझते हम हर एक कैंडल को परखना सीख गए हैं। अब किसी भी कैंडल के बाद कोई भी कैंडल आ जाए, हम बता सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, कब बुल्स उस स्टॉक पर कंट्रोल कर रहे हैं, कब बियर्स उस स्टॉक पर कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सेट्रा। तो इन पैटर्न्स की मदद से हम धीरे धीरे कैंडल्स को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले कुछ एपिसोड्स में हम कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को समझ लेंगे और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस की बाकी चीजें भी देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।